Good morning, children. Let's start our topic punctuation marks. हम इसको continue कर रहे हैं. पिछली वीडियो में हमने capital letters के बारे में पढ़ा था. हमारा next punctuation mark है full stop. Full stop. Full stop का sign होता है dot. What is full stop? The full stop represent the longest pause. जब भी हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं तो बीच में हम रुकते हैं वो लॉन्गेस्ट पॉज होता है, सबसे लंबा पॉज होता है. बहुत लंबे वक्त के लिए वहां रुकते हैं, उसको दर्शाने के लिए फुल स्टॉप लगाया जाता है. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप. हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है. किसी भी सेंटेंस का एंड हम तीन तरीके से करते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. शायद हमने ये पीछे भी पढ़ा है. तो यहां हम फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं. एक सेंटेंस कंप्लीट ही तब होगा जब वो फुल स्टॉप से एंड होगा. हम अभी एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स हैं, मोनिका इज क्राइंग, एक सेंटेंस है. इसका एंड तभी माना जाएगा. आप लिखिए, फुल स्टॉप नहीं लगाते तो वो एक गलती मानी जाएगी. फुल स्टॉप के सहारे ही इसका एंड होगा, तभी इसे एक सेंटेंस कहेंगे. अगर इसको फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो फिर ये संभावना रहती है कि इसको अभी पूरा करना बाकी है. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ द ऑफ महाराष्ट्र, फुल स्टॉप. यहां ये सेंटेंस पूरा होगा, यहां ये सेंटेंस पूरा होगा. फुल स्टॉप जो है एक सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है. एक सेंटेंस तभी पूरा होता है जब उसमें फुल स्टॉप लगता है. नीलम इज अ डॉक्टर, शी इज एन इन हॉस्पिटल. यहां दो सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए फुल स्टॉप लगाए, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप लग रहा है. अभी हमने इसी भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लॉन्गेस्ट पॉज, एक शॉर्ट पॉज होता है जो कॉमा के रूप में होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. नीलम इज अ डॉक्टर, ये लॉन्गेस्ट पॉज है. देखो इसको पढ़ के पता लगेगा, नीलम इज अ डॉक्टर, शी इज इन हॉस्पिटल. इन दोनों सेंटेंस के बीच में हम लंबे समय के लिए रुके हैं बोलते हुए, तो लॉन्गेस्ट पॉज हुआ और ये फुल स्टॉप की वजह से हुआ. और नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क. किसी भी सेंटेंस के पीछे जब ये मार्क दिखता है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न होता है. मेनली डब्ल्यू एच टाइप जितने भी वर्ड्स हैं उनसे जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है. डब्ल्यू एच टाइप होता है व्हाट, हू, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हूज. जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, सिंपल सेंटेंस. आपको पहले बताया था सेंटेंस का एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क से अगर इसका एंड हो रहा है तो फिर ये क्या है, क्वेश्चन है, एक प्रश्न है. सिर्फ प्रश्न के आगे, क्वेश्चन के आगे ही क्वेश्चन मार्क लगता है और इसी मार्क से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है. एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर इज योर स्कूल, सिंपल सेंटेंस है लेकिन एंड में या तो फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क. अब क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप है तो एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा. इससे साबित होता है कि ये एक प्रश्न है. हु इज योर
class teacher. ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा. सेंटेंस के सभी नियम पूरे कर रहा है, फर्स्ट कैपिटल और लास्ट क्वेश्चन मार्क. अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो इसमें फुल स्टॉप लगता, पर क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से इसका एंड हुआ है. इज शी योर मदर क्वेश्चन मार्क. एक चीज का ध्यान रखें, फर्स्ट हमेशा कैपिटल है, लास्ट टर्म में क्वेश्चन मार्क लगाया ही है. क्वेश्चन हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं या पूछते हैं या खुशी या दुख व्यक्त करते हैं तो हमारी टोन बदल जाती है. इश योर मदर सिंपल सेंटेंस में इश योर मदर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इसमें टोन भी बदलती है. इश योर मदर क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क साबित करता है कि ये क्वेश्चन है कैपिटल, एक सेंटेंस पूरा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन. किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम उसको पूछते हैं, मुंह से बात करते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क शो नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त हमारी टोन बदल जाती है. आप स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, टोन बदल गई. डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं. आपके बुक में हर लेसन हर पोएम के बाद क्वेश्चंस होते हैं, उनको पढ़ें विद टोन पढ़ें और लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क का मैक्सिमम यूज करें. क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क का साइन इस तरह का होता है. जितना ज्यादा आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से याद होगा. थैंक यू वेरी मच.